तो देख ही चुके, मैं स्पीड में सबको दिखाता हूँ। इस टाइप से पेंटिंग है, पोर्ट्रेट भी बनाता हूँ, यहाँ पर मेरा डिटेल्स भी लिखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं मेरा पेंटिंग दिखाना, जो जो नहीं आए, जो घर में बैठे हैं उन लोग के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग राजभवन पास पहुंच गए, मतलब राजभवन क्रॉस कर रहे हैं, ये रहा भाई, और हम लोग अभी जा रहे हैं, रास्ते में ही है और 10 बजने वाले हैं, तो हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे अभी। तो चलो चलते हैं, चलते हैं। हेलो गाइस, तो आज है 16 दिसंबर और मैं हूँ रांची आर्ट्रे हाउस, जहाँ पर मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन शो 6 दिवसीय लगा था, 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। तो आज 16 दिसंबर है और जो लास्ट डे है, तो मैं लास्ट डे है तो इसलिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ का जो वीडियो लुक है वो आउटडोर लुक दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआती गेट से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा बैनर, जो पेंटिंग भव्य पेंटिंग प्रदर्शनी शो खोल के लगा हुआ था, और इधर गेट है और उधर कुछ और बैनर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गेट से शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा बैनर, भव्य पेंटिंग प्रदर्शनी शो, और इधर अर्जुन आर्ट्स, क्योंकि मैं अपना साइन अर्जुन आर्ट्स के नाम से करता हूँ। तो ये रहा मेन गेट, और ये मेरा पेंटिंग्स का लोगो, और इसमें मेरा डिटेल्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उस बैनर का मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये मेरा एड्रेस, झिंझरी मांड रांची झारखंड इंडिया, व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए गेट से अंदर घुसते हैं हम लोग। ये गेट है लोगो, और ये रहा आर्ट्रे हाउस, इधर है गार्डन और इधर भी है गार्डन, और यहाँ कुछ स्कल्पचर सब बना हुआ है। तो ये रहा आर्ट्रे हाउस, इसी के अंदर मेरा पेंटिंग लगा है, लेकिन पेंटिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण मैंने एक ही गैलरी बुक किया और बाकी सब बरामदा में लगा हुआ है, और कुछ आउटडोर में भी लगा हुआ है उधर, तो देख सकते हैं। ये रहा मेरा यहाँ एक बैनर लगा हुआ है, ये यहाँ मेरा टोटल 200 पेंटिंग लगा हुआ है। तो यहीं से शुरुआत होता है पेंटिंग का, आप देख सकते हैं ऐसे गलियारी करके बना हुआ है पूरा पेंटिंग, वहाँ तक लगा है। इधर भी पेंटिंग है, पेंटिंग इधर भी है, इधर भी, ये सब मेरा ही पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। अंदर भी पेंटिंग है, तो पहले मैं बाहर का दिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको पेंटिंग ही पेंटिंग दिख रहा होगा, ये रहा पेंटिंग। अगर मैं सारे अच्छा से कवर करूँगा तो आधा घंटा जैसा का वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं स्पीड फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक देख सकते हैं पूरा ये सारा पेंटिंग इधर लगा हुआ है, और इतना लंबा वीडियो ना बनाते हुए पहले हम लोग उधर चलते हैं, उधर पेंटिंग गैलरी के अंदर भी है, तो वो गैलरी के अंदर बाद में दिखाते, पहले आउटडोर का दिखाते जो बरामदा में लगा हुआ है। इस गैलरी के चार, इस आर्ट गैलरी के चारों तरफ मेरा पेंटिंग लगा हुआ है। तो ये पेंटिंग बहुत काफ़ी ज़्यादा था, और पेंटिंग पूरा गैलरी के अंदर डिस्प्ले नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने बाहर लगा दिया है। तो इस तरफ से कुछ पेंटिंग है, 200 पेंटिंग का कलेक्शन है, अब देख सकते हैं पूरा चारों कोना पेंटिंग ही पेंटिंग्स मेरा, वहाँ तक पूरा, उधर तक पूरा है। मैं अभी वो भी दिखाता हूँ, देखिए इधर से, यहाँ से एक ही बार मैं कवर करता हूँ पूरा बरामदा में पेंटिंग्स, देख सकते हैं आप वहाँ तक पूरा पेंटिंग लगा हुआ है। तो मैं उधर जाता हूँ, फिर उस कोना से बनाता हूँ वीडियो। इस पेंटिंग को आप देख सकते हैं, यहाँ के कर्मचारी लोग सफाई कर रहे हैं टाइल्स को, और इधर पूरा पेंटिंग है। आज लास्ट डे है, तो मैंने सोचा कि पूरा लास्ट डे है इसलिए पूरा वीडियो बना ले सब पेंटिंग को। आप लोग भी मेरा पेंटिंग को अभी तक देखे नहीं है, तो इसलिए यहाँ से स्टॉप होता है, फिर इसके बाद फिर यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, यहाँ से फिर पेंटिंग है, इधर यहाँ तक है पूरा, और उसके बाद फिर उधर होगा, तो उधर फिर मैं दिखाता हूँ आप लोग को। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा नहीं तो। ये दो पेंटिंग,
यहाँ तो पेंटिंग यहाँ से आ गया ख़त्म, फिर यहाँ से पूरा, फिर इधर से पूरा लगा हुआ है, इधर यहाँ तक है, पूरा करते हैं वहाँ तक कवर, उसके आगे और है, चारों तरफ लगा हुआ है, बस यहाँ इधर है। फिर ये गैलरी के अंदर घुसने के लिए अंदर जगह गेट, फिर ये यहाँ के केयर टेकर, फिर इधर पूरा है इस गैलरी में, इधर पूरा है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, वहाँ पूरा है। तो वहाँ से फिर लास्ट स्टॉप हो जाता है, यहीं तक पूरा चारों कोना है। अब मैं गैलरी के अंदर वाला कुछ पेंटिंग को दिखाता हूँ, तो यहाँ से पूरा आप लोग देख सकते हैं, पूरा आर्ट में, पूरा गैलरी, आर्ट गैलरी मेरा ही पेंटिंग से भरा हुआ है। तो अंदर चलिए दिखाते हैं आप लोग को, फिर गैलरी के अंदर जाते हैं, कितना पेंटिंग्स गैलरी के अंदर वो दिखाते हैं हम। तो ये रहा इधर, पूरा इधर दोनों तरफ लगा हुआ है, आप दोनों तरफ से पेंटिंग को देख सकते हैं एक ही बार में। यहाँ हो गया, ये गैलरी नंबर 1 है, इसमें पूरा तत्व का सामान हुआ, कुछ स्कल्पचर सब रखा हुआ है। और ये गैलरी नंबर 2, तो इसमें भी वही सब है, स्कल्पचर सब। और यहाँ पर नया म्यूजियम बना है खेलगांव तरफ, तो वहाँ सारा इस म्यूजियम का सामान शिफ्ट हो चुका है, कुछ केवल पेंटिंग केवल है यहाँ पर। एक गैलरी नंबर ये 3 है, जिसमें कुछ पेंटिंग्स है, पहले पहले का आर्टिस्ट लोग का पेंटिंग कुछ कुछ है, मैं इसको भी कवर कर देता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ का म्यूजियम में सिर्फ 2 ही म्यूजियम गैलरी में सिर्फ पेंटिंग्स है, बाकी सब खाली हो गया है। खेलगांव में एक न्यू म्यूजियम बना है, वहाँ पर सारा शिफ्ट हो गया है। तो जो पेंटिंग्स है ये सब मेरा पेंटिंग नहीं है, ये गैलरी नंबर 3 का ये सब पेंटिंग है। तो गैलरी नंबर 3 में मेरा पेंटिंग नहीं है, गैलरी नंबर 4 में मेरा पेंटिंग्स है। ये तो ये पहले से यहाँ का पेंटिंग है। तो ये रहा गैलरी नंबर 4, और इसके अंदर जो भी सारा का सारा पेंटिंग मेरा ही है, बाहर तो देख ही चुके। मैं स्पीड में सबको दिखाता हूँ, इस टाइप से पेंटिंग है, पोर्ट्रेट भी बनाता हूँ, यहाँ पर मेरा डिटेल्स भी लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, और मेरा एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। और इधर का पेंटिंग आप देख सकते हैं, मैंने पॉप आर्ट भी किया था, स्पीड पेंटिंग जिसे बोल सकते हैं। ये पॉप आर्ट 60 तरह का है, जो सब में चिपका हुआ है, और ये फाइन आर्ट्स के रूप में फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादातर पेंटिंग फेस पेंटिंग है, और फैमिली से रिलेटेड पेंटिंग है। तो यहाँ ये तो मेरे ब्लैक एंड वाइट वाला मेरे माता पिता का है, और ये मेरे दोस्त, सारा पेंटिंग मैंने कवर कर रहा हूँ मैं स्पीड में। और ये, और यहाँ पर मुकेश अंबानी की पूरा फैमिली लगी हुई, ये पेंटिंग मेरा सबसे लंबा पेंटिंग है, 20 फीट बाय 2.5 फीट का, जिसमें 13 फैमिली है मुकेश अंबानी का। और ये पॉप आर्ट में आप ये सब देख सकते हैं, मैं स्पीड में सारा पेंटिंग दिखा रहा हूँ, क्योंकि 250 के लगभग पेंटिंग है, मतलब 200 पेंटिंग्स, और पॉप आर्ट 60 पीस है, यानी लगभग 250 है। तो मैं स्पीड में शायद आप लोग अच्छा से देख नहीं पा रहे होंगे, अगर मेरा पेंटिंग को आपको अच्छा से देखना है तो गैलरी में आना पड़ेगा। और चूंकि आज तो बंद हो जाएगा फिर गैलरी, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है, 16 दिसंबर है, तो आज के बाद यहाँ से मेरा पेंटिंग उठ जाएगा। लेकिन मैं कहीं नेक्स्ट जगह में लगाऊंगा, नेक्स्ट एग्जीबिशन लगाऊंगा, तो वहाँ पर मैं अपने चैनल के थ्रू और फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सअप स्टोरी के थ्रू मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चेकआउट करते रहिएगा, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट एग्जीबिशन कहाँ लग रहा है, तो उसके जरिए आप लोग आ सकते हैं फिर, जो जो नहीं आए हैं सो। लेकिन मैं अभी डिटेलिंग्स तो यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक एक करके ऐसे करके दिखाने में, डिटेलिंग्स दिखाने में, और एक पेंटिंग को ऐसे अच्छा से कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड में घूम रहा हूँ, फिर भी आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट से ओवर का वीडियो हो चुका है, 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो इसको पूरा अगर अच्छा से देखा जाए तो 2 घंटा लग जाएंगे, 1.5-2 घंटा लग ही जाते हैं। तो मेरा बस यहाँ पर ख़त्म हो गया पेंटिंग, अब बात करते हैं अपनी बात। तो इस गैलरी में मेरा पेंटिंग लगा था, ये गैलरी का नाम है आड्रे हाउस, जो सूचना भवन के पास है, मेरा आज लास्ट डे है, तो आज के बाद पेंटिंग उठेगा। जो जो आए उसको धन्यवाद, और जो जो नहीं आए देखने के लिए, वो नेक्स्ट एग्जीबिशन कभी रांची में लगता है तो आइएगा। और बस यही था, और लास्ट दिन था इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ वीडियो बनाया जाए। पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, लेकिन
उतना पब्लिक नहीं आई जितना एक्सपेक्ट मैंने किया था, क्योंकि ये गैलरी 2 साल से बंद था कोरोना के वजह से। तो क्योंकि सबको लगा अभी बंद ही है इसलिए कोई उतना आए नहीं, लेकिन मेरा जो एग्जीबिशन शो था वो उसका एड प्रभात खबर ने किया था और सोशल मीडिया न्यूज़ ने किया था, बट फिर भी नहीं आए। उतना आए हैं देखने लेकिन उतना नहीं आए जितना एक्सेप्ट मैंने किया था। तो अगली बार कहीं लगाऊंगा तो अपने तो अच्छा से ऐड करेंगे, तो इसलिए उतना नहीं आए। तो वीडियो के ही तक अंत करते हैं, मेरा मकसद मेरा पेंटिंग दिखाना, जो जो नहीं आए जो घर में बैठे हैं उन लोग के लिए। तो